ईपीएफओ के एग्जाम जहां तक है आप सभी का अच्छा गया होगा और इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे, जो भी एग्जाम रहा है, कैसे क्या रहा है, जो सोर्सेज आपको बताए गए थे वो हेल्पफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं, या क्वेश्चंस उनमें से आए हैं। तो सिंपली मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्जाम को लेके बात करें तो एग्जाम का तो आप इंग्लिश का पोर्शन आपने खुद ही देखा होगा, ईजी रहा है इंग्लिश का, इतना ज्यादा टफ नहीं आए हैं। जो भी वर्ड उन्होंने दिए थे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स और बेसिक ग्रामर उन्होंने जो पूछा है वो इजी था। बाकी आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर लीजिए, तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो मैंने आपको सोर्स बताया था वो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है, ठीक है। उन्होंने, मैम ने इतना अच्छे से आपको समझा रखा है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कि आप अगर चाहे, आपका जो आगे जो आपका एग्जाम पड़ेगा एपीएफसी का, उसमें भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जहां तक, वैसे तो बहुत से इंस्टीट्यूट वगैरह आगे वीडियोस बनाएंगे उस पे रिलेटेड, बट मुझे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल सक्सेस रेट का बहुत अमेजिंग आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जिस जो कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं है ना, जो मतलब बहुत रोते रहते हैं कि भाई नहीं जा रहा समझ में, कैसे क्या करेंगे, क्या ये वो, बेसिक से समझाया है उन्होंने आपको, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है वहां पे। लेबर लॉज की बात करें तो लेबर लॉज में जो मैंने आपको सोर्स बताया था उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां पे फंसे हैं, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो। ईपीएफओ के कार्ड से आपके जो स्कीम्स थी, सोशल सिक्योरिटी का पोर्शन कवर हो गया है, काफी कवर हुआ है वहां से। और इसके अलावा अगर बात करें तो साइंस थोड़ा सा टफ रहा है आपका, साइंस के कंप्यूटर के हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा देखे गए हैं एग्जाम में। और बाकी आपका पॉलिटी वगैरह का क्वेश्चन इतने ज्यादा मतलब नहीं थे, ठीक ठीक आए थे। आप पेपर को इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन हार्ड बोल सकते हैं। अब चलिए कट ऑफ की बात करते हैं इस एग्जाम की। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें और 2017 के पेपर से कंपेयर करें इस पेपर को, तो 2017 का पेपर टफ रहा है इस पेपर के कंपेयर में। और उस टाइम की जो वेटेज रही है रिटर्न और इंटरव्यू की, वो 50-50 रही, और इस टाइम जो वेटेज रही है आपकी वो 75-25 रही है, 75 आपका रिटर्न, 25 आपका इंटरव्यू। तो उस टाइम अगर आप कट ऑफ देखेंगे, जहां 50-50 रहा है वहां कट ऑफ भी आपकी 50% गई है। 100 मार्क्स का पेपर था, 50 नंबर 49 समथिंग आपकी कट ऑफ गई है 2017 की। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी कट ऑफ 55-60% 60+ ही जाएगी जहां तक है, बट आप 60% तो आप कट ऑफ को मान के चलिए, बाकी 55-60% बोल सकते हैं। बाकी जो भी जिन लोगों के जो इसमें मतलब नहीं आ रहा है, जिनके नंबर या एग्जाम अच्छा नहीं गया है, या ऐसी कोई मतलब दिक्कत है, या फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं एग्जाम देने के बाद में, तो गाइस अभी ये एग्जाम देने के बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आने वाली है, और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन बच्चों की बात करना चाहूंगी जो एग्जाम जिनका काफी अच्छा गया है और जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर अपना कर रहे हैं। तो देखिए, आपका नवंबर तक तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नवंबर तक रिजल्ट आने के बाद में आपको ये जो आपने पढ़ा है ये आपको कंटिन्यू, थोड़ा बहुत कंटिन्यू ही रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते, जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका नवंबर या दिसंबर में ही आपका जहां तक है एपीएफसी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो उस एग्जाम का सिलेबस इस एग्जाम के सिलेबस से ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। थोड़ा सा ज्यादा उस एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ सकता है, और वो एग्जाम देखा जाए तो ईपीएफओ से थोड़ा ऊंची पोस्ट ही रहती है वो। तो आप, आपकी जो आपकी प्रिपरेशन है वो कहीं से भी खराब नहीं जाने वाली है। अपने माइंड से इस चीज को निकाल दीजिए और आप अपनी बस प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। बाकी जो जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसका फॉर्म डालिए, और उस पे भी बहुत सारे मतलब जो भी सोर्सेज रहेंगे, जो जैसे कैसे क्या पढ़ना है, कोई बुक परचेज करनी है या नहीं करनी है, वो आगे आपको आने वाले वीडियोस में बता दिया जाएगा। जो भी जब भी जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और बाकी रही बात इसकी ईपीएफओ से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली अब
ईपीएफओ के बारे में 2017 में इतना लोगों को पता नहीं था, तो जिस टाइम ईपीएफओ का 17 में जो रिजल्ट आया, जो पेपर आया था, तो उसके कंपेयर में इस टाइम लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों ने पेपर फेल किया था। लेकिन अगर आप रेशियो देखें तो ओनली 30-40% आप बोल सकते हैं पेपर देने, एक्चुअल में पेपर देने गए थे बच्चे। तो जिनके दिमाग में ये चीज है कि भाई इतने सारे लोगों ने फिल किया है, पेपर होगा या नहीं होगा, या कंपटीशन बहुत हाई है, और ये सारी चीजें सोच सोच के उनका जो वो लोग अपना पहले से ही खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को थोड़ा सा देखिए। बाकी यही है कि आप इन सारी चीजों पे अपने को नहीं सोचना है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, क्या हुआ है, कितना कॉम्पिटिशन है, ये वो, अगर ऐसे सोचने बैठेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे, सीरियसली नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए बस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।